बात करता हूँ। बहू बेटा जरा मुझे एक गिलास पानी देना। बेटा प्रकाश जी। पिताजी जी मैं अभी आया। मदारी के डमरू की आवाज सुनते ही बंदर चला अंदर। धीरे से बोलो। पूरा जोरू का बैल बन गया है बैल। अरे तुम मुझे क्यों कंफ्यूज करती हो? एक बात पर फिक्स रहो ना। किस बात पर? वो बंदर है कि बैल है? चुप रहो बेटा, तो तुम्हारा ही है ना, तुम पर ही तो जाएगा। ठीक कहती हो, उसकी भी अपनी बीबी के सामने कुछ नहीं चलती। क्या हुआ? देखो फिर उन दोनों में कुछ खिचड़ी पकड़ी है। कुछ भी हो बिल्कुल सुनने वाले। हाँ हाँ, तुमसे कौन जबरदस्ती कर रहा है? उनके इमोशन के आगे हथियार मत डाल। देखो मैं उठा दिया धनुष और ये बांध की बेटी, जरा ठीक से बात करो। तुम नहीं कह सकते तो मैं ही कह देती। तुम रहने दो, मैं बात कर लूंगा ना। तुम बात करती हो तो पता नहीं चलता कि बात कर रही हो कि झगड़ा कर रही हो। क्या? हाँ मैं उससे बात करता हूँ। ये क्या है पिताजी? महाबलेश्वर की टिकट। पिताजी आप फिर शुरू हो गए। बेटा तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारी शादी को एक साल हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अभी तो बस एक साल ही तो हुआ है। बेटा मेरी बात समझ। पिताजी हमने तय कर लिया है कि 5 साल तक हमें बच्चा नहीं चाहिए। 5 साल? जी बेटा, हम बच्चे की बात कर रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना की? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये ऐसे नहीं मानेंगे लेकिन हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें? कुछ भी हो मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। क्या बात करती हो, बच्चा इस उम्र में? अरे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी? चुप करो, मैं अपने पोते की बात कर रही हूँ। तो सीधे सीधे कहो ना, तुम तो मुझे खाम खा डरा देती हो कि अब इस उम्र में मुझे बच्चा। बस करो। ठीक है लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि उनको बच्चा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये ले। ये क्या है? दूध में डाल। न जाने कहां कहां से ले आती है। हिम्मत मत हारना शांति, तुम हिम्मत हार जाओगे तो बच्चा कैसे होगा? लेकिन ये नुस्खा फेल कैसे हो गया? कुछ तो असर होना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि सब असर होता ही होगा, पर शायद किसी सुरक्षा कवच के कारण दुश्मन पर वार नहीं होता होगा। अरे हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। चलो कहाँ? मिशन सुरक्षा कवच हटाओ। अरे क्या हुआ बेटा? आपने क्या कर दिया पिताजी? हमने? आपने तो मेरा रोज का दाना पानी ही बंद कर दिया। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। बच्चा मांग रहे हो गरम पानी? जा मैं नहीं देती। मैं गरम पानी नहीं, गरम बच्चा मांग रहा हूँ। हाँ, मतलब बच्चा मांग रहा हूँ। नहीं मिलने वाला तुम्हें बच्चा। बच्चा ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैं लेकर आऊंगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। क्या हुआ जानवी? हट जाइए पिताजी। अरे तुम क्या कर रहे हो? आज मैं चुपने बैठूंगा, हट जाओ माँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं हटेगी। छोड़ो उसे, तुम मर्दों ने समझ क्या रखा है मर्दों को? जब चाहे हाथ उठा दिया, जब चाहे डांट दिया। पर माँ। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहू पर हाथ उठाने की? अभी अभी शादी को 1 ही साल तो हुआ है, ऐसे में क्या चलती है बच्चे की? ये क्या हो रहा है? हम मर्दों क्या कुछ नहीं करती इन मर्दों के लिए, और ये मर्द सबके सब एक जैसे होते हैं। पिताजी ऐसा ही होता है बेटा, ये शादी तो एक जख्म है, जख्म जहाँ चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा लेते हैं। पर अपने घर का चिराग आराम से जलाते रहो, क्या जल्दी है।